साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट से इजाजत मिलने पर इलाज के लिए लंदन उड़ान भरने की तैयारियां मुकम्मल। मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ मंगल के रोज एयर एम्बुलेंस में लंदन के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया, सफर के काबिल बनाने के लिए सलाह मशवरे जारी। लीगी तर्जुमान के मुताबिक ब्लड शुगर और दीगर तिब्बी खतरात को कम करने के लिए साबिक वजीर आजम को अदवियात दी जा रही है। हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी है, ये कानून की फतह है, ना हमारी शिकस्त है ना उनकी जीत है, ना डील हुई है ना ढील हुई है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों की इज्जत को बहाल रखा है। कोई डील या ढील नहीं हुई, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून की जीत है, हुकूमत या नून लीग की शिकस्त नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नया साल सियासी चोंचलों से पाक होगा। फजलुर रहमान को सियासत और जंग की अहमियत का नहीं मालूम, फजलुर रहमान को इल्म ही नहीं था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उन्हें छोड़ देगी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ सफेदी से ढक गए, स्याह भी लुत्फ उठाने वादी में पहुंच गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर हाईकोर्ट से इजाजत मिलने पर इलाज के लिए लंदन उड़ान भरने की तैयारियां मुकम्मल। मरियम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ मंगल के रोज एयर एम्बुलेंस में लंदन के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया, सफर के काबिल बनाने के लिए सलाह मशवरे जारी। लीगी तर्जुमान के मुताबिक ब्लड शुगर और दीगर तिब्बी खतरात को कम करने के लिए साबिक वजीर आजम को अदवियात दी जा रही है। नवाज शरीफ को जाने की इजाजत दी है, ये कानून की फतह है, ना हमारी शिकस्त है ना उनकी जीत है, ना डील हुई है ना ढील हुई है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों की इज्जत को बहाल रखा है। कोई डील या ढील नहीं हुई, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून की जीत है, हुकूमत या नून लीग की शिकस्त नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं नया साल सियासी चोंचलों से पाक होगा। फजलुर रहमान को सियासत और जंग की अहमियत का नहीं मालूम, फजलुर रहमान को इल्म ही नहीं था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उन्हें छोड़ देगी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ सफेदी से ढक गए, स्याह भी लुत्फ उठाने वादी में पहुंच गए।